नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार के मंत्रियों का शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को राष्ट्रपति भवन में एक के बाद एक सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही बीजेपी समेत एनडीए के सभी मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया। इस बार मंत्रिमंडल में 72 लोगों को जगह मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। 30 कैबिनेट मंत्रियों में 25 बीजेपी के जबकि 5 मंत्री सहयोगी दलों के हैं। वहीं स्वतंत्र प्रभार में 3 बीजेपी के तो 2 सहयोगी दलों के मंत्री बनाए गए हैं, जबकि 36 राज्य मंत्रियों में से 32 बीजेपी के और बाकी सहयोगी दलों के हैं। मोदी की नई कैबिनेट में शपथ लेने वालों में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। वहीं सहयोगी दलों से 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया, जिनमें कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जेडीएस के एचडी कुमार स्वामी और बिहार से पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी शामिल हैं। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी 3.0 कैबिनेट में मंत्री बनने वालों की सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश से है। इस बार उत्तर प्रदेश से 9 तो बिहार से 8, महाराष्ट्र से 6 तो गुजरात और कर्नाटक से 5-5 मंत्री बनाए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान से 4-4 तो हरियाणा, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से 3-3 मंत्री बनाए गए हैं। वहीं तेलंगाना, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल और केरल से 2-2 मंत्री बनाए गए हैं। तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, गोवा, जम्मू कश्मीर से 1-1 लोगों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है। केरल में बीजेपी का खाता खोलने वाले सुरेश गोपी को भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. वहीं केरल बीजेपी के महासचिव जॉर्ज कुरियन को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिली है, जो फिलहाल न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा के सांसद हैं। पंजाब की लुधियाना सीट से चुनाव हारने के बावजूद भी रवनीत सिंह बिट्टू को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। फॉर द यूनियन एंड दैट आई विल डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं आरपीआईए के अध्यक्ष रामदास आठवले को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है, जबकि उनकी पार्टी एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ी थी। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। इस बार का मोदी मंत्रिमंडल सबसे बड़ा है। 2014 में चुनाव जीतने के बाद जहां शपथ लेने वाले मंत्रियों की संख्या 46 थी, वहीं 2019 में 58 मंत्रियों ने शपथ ली थी, जबकि 2024 में 72 मंत्रियों ने शपथ ली है। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के पड़ोसी देशों के नेता भी मौजूद रहे। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।